नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तानियों के दिमाग पर मजहबी और कट्टरपंथी सोच का भूत किस कदर हावी रहता है ये तो आप भी जानते हैं, पर हद तो तब हो जाती है जब उनकी इस सोच के शिकार उनके ही मुल्क के हुक्मरान बनते हैं। दिक्कत तब भी होती है जब सामान्य शिष्टाचार को भी कई पाकिस्तानी मजहबी चश्मे से देखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब सूबे की नई नवेली मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ। पहली बार सीएम बनने वाली नवाज शरीफ की बेटी मरियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जैसे पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। पड़ोसी मुल्क की कट्टरपंथी जमात मरियम से उनका धर्म पूछने लगी। दरअसल इस वीडियो में मरियम अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं, जबकि नवाज शरीफ भी पीठ ठोक कर अपनी बेटी को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये वीडियो उस वक्त का है जब मरियम नवाज ने पंजाब विधानसभा में सीएम का चुनाव जीता था। इसके बाद वो अपने पिता नवाज शरीफ से मिलने पहुंची थी। मरियम के इस वीडियो को पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया और पूछा कि ये परंपरा किस धर्म में है। इस्लाम में तो पैर छूने की मनाही है और यही वजह है कि इस वीडियो के जरिए मरियम नवाज कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। ऐसे कट्टरपंथियों का मुंह बंद करने का काम भी पाकिस्तान के ही कुछ लोग कर रहे हैं। मरियम के समर्थन में भी लोगों ने कमेंट किए हैं। पाकिस्तान की ही एक और पत्रकार आरजू काजमी ने इस वीडियो पर जवाब देते हुए लिखा कि इसे तमीज कहते हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के एक नेता ने कहा कि क्या अपने माता पिता के पैर छूना गलत है। तो पाकिस्तान में मरियम नवाज के पैर छूकर अपने पिता का आशीर्वाद लेने पर छिड़े सोशल मीडिया वाले इस घमासान पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।